पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व प्रधान कमल सिंह के पुत्र प्रदीप कुमार एक बार फिर ग्राम पंचायत सिकंदरपुर के गांव ज्ञानपुर से प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रदीप कुमार का कहना है कि क्षेत्र की जनता का विकास कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह करने पर जनता से वो अपनी जीत के लिए मैदान में हैं, तो वहीं उनका कहना है कि इससे पहले भी उनके पिता कमल सिंह भी गांव में प्रधान के पद पर रहकर गांव का विकास कर चुके हैं और इस बार भी पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि क्षेत्र का विकास पूरी तरह से कराया जा सके। चुनाव चिन्ह हमारा करनी और प्राथमिकता क्या, हम तो पहले भी रह चुके हैं हमारे पिताजी, और हमेशा विकास पे ही जोर दिया गया है। जैसे ये गांव आदर्श गांव में आता है तो सर छोड़ के सब पूरी है, जो शिक्षा है और रोजगार की व्यवस्था है उसके लिए कैसे प्रयास रहेंगे आपके? हमारे यहाँ लगभग 70% सर्विस वाले हैं, तो हर परिवार में से एक दो लगभग सभी हैं, और थोड़ा शिक्षा का हमारे यहाँ आगे वाले गाँव में थोड़ा कमजोरी है अभी, वहाँ के कुछ लोग भी कुछ इस तरीके के हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है समझाने की, मजदूर पार्टी हैं ज़्यादातर, और जो हैं वो अपने अपनी जगह बिल्कुल फिट हैं, जो निचले वाले हैं वो एक तो इनमें दिक्कत क्या है, स्कूल प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं वहाँ ज़्यादा गौर होती नहीं है, ये सरकारी काम तो ऐसे ही है, वरना सरकारी स्कूल में अगर टीचर्स चाहेंगे क्या पढ़ाई नहीं होगी? सही बात है। क्या लगता है कि अभी क्या और विकास कार्य होने बाकी रह गए हैं? विकास कार्य के अभी गांव में अभी उस उन दोनों गांव में सड़कें अभी हैं, जरूरत है काफ़ी विकास की जरूरत है अभी। क्षेत्र में आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं, कैसा रुझान आ रहा है? रुझान तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम 7 कैंडिडेट हैं, लगभग 1500 का हमारा पोलिंग होगा और हो सकता है 40% से ऊपर ही जाऊँगा। कोई अपील करना चाहेंगे जो वोटर्स हैं उनसे क्या कहना? वोटर्स को अपील क्या करना है, अब व्यवहार देखिए, कैंडिडेट को देखिए, जो काम आ सकता है उसको देखिए, सुन लीजिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।